अगरबत्ती बिजनेस के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपके प्रोडक्ट की पैकिंग मटेरियल, क्योंकि आप कहीं भी जाते हो तो सबसे पहले जो लोग आपको जज करते हैं वो आपका पहनावा होता है, कि आपकी पहनावा किस तरह की है। तो इसी तरह से बिजनेस के अंदर भी होता है, आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसको सबसे पहले बायर के मन में जो सबसे पहला परसेप्शन बनता है कि ये प्रोडक्ट कैसा हो सकता है, वो उसकी पैकिंग मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये बात लगभग मैं हर वीडियो में चिपकाता हूँ, तो मुझे लगता है ये आप लोगों के अंदर बैठ जानी चाहिए अभी तक। यदि नहीं बैठा है तो आगे भी ये बातें मैं चिपकाता रहूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, आज के इस वीडियो में हम लोग इस शानदार क्वालिटी की पाउचेज की डिटेल जानने वाले हैं कि कितने रुपए की ये पाउच है, कितने रुपए में बिकती है और कैसे आप ये पाउच मंगवा सकते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले करना चाहूँगा आपसे एक विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दे, क्योंकि इस चैनल के ऊपर अगरबत्ती उद्योग से संबंधित विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग लेके आते रहते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लिया होगा। तो बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए चलते हैं वीडियो की ओर, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, ये शानदार क्वालिटी की पाउचेज, ये इसके ऊपर MRP 7 है, 7 MRP की पाउच है ये। बहुत सारी जगहों पे 5 रुपये में, बहुत सारी जगहों पे ये 6 रुपये में कस्टमर के पास पहुंचती है। तो इसकी साइज वगैरह फटाफट हम लोग देख लेते हैं। मार्केट के अंदर जो ज़्यादातर पाउचेज आती है उसकी क्या होती है कि वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, इस कारण से फटने का ज़्यादा डर रहता है। प्लस माल रखने के बाद जो मार्केट से आप लोग पाउच लेते हो उसमें क्या होता है कि एक तो फटने का डर रहता है, दूसरा कि उसकी उसमें माल रखने के बाद वो ख़राब हो जाता है, मुड़ जाता है या बीच बीच में बबल बबल जैसा हो जाता है। तो ये पाउच की क्वालिटी के ऊपर होता है। और दूसरी चीज़ की बहुत सारी छोटी पाउचेज आती है मार्केट के अंदर, जो कि पैकेट के ऊपर 10-20 रुपये सस्ता तो आपको मिल जाता है परंतु आपके इम्प्रेशन को घटा देता है मार्केट के अंदर। तो इस चीज़ से आप लोगों को बच के रहना है कि केवल सस्ती चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। अच्छी चीज़ें खरीदिए और तभी जाके आपको मार्केट में अच्छा वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग इस पाउच की साइज़ देख लेते हैं, फिर आपको इसकी और भी कुछ डिज़ाइनें हैं उसका फ़ोटो वगैरह दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि इस जो ये पाउच इसकी साइज है 68 mm, सॉरी यार 68 नहीं दोस्तों, इस पाउच की जो साइज़ है वो 63 mm है। जबकि ज़्यादातर मार्केट के अंदर जो रेडीमेड पाउचेज आती है 5 रुपये वाली या 6 रुपये वाली, उसकी जो चौड़ाई होती है 50, 52, 54, 55 mm तक ही होती है, ठीक है। परंतु हमारे इस पाउच की जो चौड़ाई है वो 63 mm है। तो ये पहला डिफरेंस हो जाता है हमारे पाउच का। बाकी लंबाई इसमें आप 8 इंच की अगरबत्ती ही फील कर सकते हो, उससे बड़ी अगरबत्ती आप इसमें फील नहीं कर सकते। इसकी जो लंबाई होती है ये 240 mm होती है, ठीक है। और जो हमारा पाउच है इसकी थिकनेस भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, परंतु मार्केट के अंदर जो ज़्यादातर पाउचेज मिलती हैं उसकी थिकनेस भी कम होती है और साइज भी छोटी होती है। इस कारण से 10-20 रुपये हो सकते हैं आपको सस्ते मिल जाते हो, परंतु इससे आपको मार्केट में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो 10-20 रुपये के कारण आपको घटिया सामान नहीं लेना है, बढ़िया चीज़ लीजिए और तब जाकर के आपको मार्केट के अंदर बढ़िया वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। तो यदि आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी ये पाउच मंगवाना चाहते हैं तो इस डिस्प्ले के ऊपर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल चल रहा है, आप वहाँ पे जो नंबर दी हुई है उस पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आपको जो भी पाउच चाहिए वो स्पष्ट रूप से आप व्हाट्सएप पे लिखिए कि सर हमें 10 रुपये वाली पाउच चाहिए या 5 रुपये वाली पाउच चाहिए। यदि आपको रेडीमेड पाउच चाहिए तो लिखिए कि मुझे रेडीमेड पाउच चाहिए। यदि आपको कस्टमाइज पाउच चाहिए तो लिखिए कि कस्टमाइज पाउच चाहिए, ठीक है। यदि आप कस्टमाइज पाउच बनवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका वीडियो का लिंक दिया हुआ है कि क्या डिटेल होती है, क्या फैक्टर्स होते हैं कस्टमाइज पाउचेज की, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, वो सारी डिटेल उस वीडियो के अंदर बताई गई है। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और ये पाउच आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हमारे यहाँ से 10 पैकेट मंगवा सकते हो। एक पैकेट के अंदर इस तरह की एक पैकेट के अंदर इस तरह की
100 लड़ी पाउचेज होती है, 12-12 पीस की ये लड़ी होती है, लड़ी या फिर स्ट्रिप भी बोला जाता है बहुत सारी जगहों पे। तो एक पैकेट के अंदर ये 100 लड़ी या फिर 100 स्ट्रिप पाउचेज होती है, और आप मिनिमम 10 पैकेट पाउच हमारे यहाँ से ये मंगवा सकते हो। इसकी और भी बहुत सारी डिजाइनें हमारे पास अवेलेबल है, तो आप जब व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करेंगे तो आपको बाकी सारी डिजाइनें भी दिखाई जाएगी, सारी डिजाइनों की फ़ोटो उपलब्ध करवाई जाएगी प्राइस के साथ। आपकी क्वांटिटी जितनी रहेगी उस क्वांटिटी के हिसाब से आपको प्राइस दी जाएगी, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आप हमसे ये पाउच मंगवा सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है आप किस जिले से हो, किस राज्य से हो, हर जगह हमारी डिलीवरी है। तो फटाफट कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, संपर्क करिए हमसे, और ये पाउच ऑर्डर करिए और अपने बिजनेस को एक नई ऊँचाई दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।